हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 10। अब देखते हैं कि ये थ्योरम क्या है और फिर इसके प्रूफ करते हैं। क्लियर? तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो हम ये थर्ड यूनिट कर रहे हैं, इसमें प्रोजेक्शन की हर एक थ्योरम अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हर एक थ्योरम बहुत अच्छे से और कंसेप्ट से समझना। ठीक है बेटा, देखो, इफ पी इज ए प्रोजेक्शन ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, देन ये हमारे पास चार पार्ट यहाँ पे दे दिए, फोर पार्ट। ठीक है, हमें ये प्रूफ करने हैं। अगर पी मेरे पास कोई प्रोजेक्शन है हिल्बर्ट स्पेस पर, तो अब ये चीज देखना आप, अगर कोई हिल्बर्ट स्पेस एच है, ठीक है, और उस पर कोई पी प्रोजेक्शन है, तो वहां पे ये चार चीजें हो सकती हैं कि अगर एच पर कोई प्रोजेक्शन पी है तो वो पॉजिटिव ऑपरेटर भी हो सकता है, वो इस तरीके से भी हो, ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर? तो हमारे पास सिर्फ हमें ये चीज गिवन है कि पी प्रोजेक्शन ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, और हमें ये चार चीजें प्रूफ करनी है। क्लियर बेटा? तो अब देखते हैं, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले हम वो चीजें लिखेंगे जो कि हमें गिवन होती हैं। हमें सिर्फ गिवन है कि पी इज ए प्रोजेक्शन है ऑन एच पर। अगर प्रोजेक्शन है तो एडिपोटेंट होगी और सेल्फ एडजॉइंट होगी, यही कंडीशन होती है ना, तो प्रोजेक्शन की हिल्बर्ट स्पेस पर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? इतना पहले पार्ट में हम प्रूफ करेंगे कि पी क्या है, पॉजिटिव ऑपरेटर है, और पॉजिटिव ऑपरेटर तो हमें बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हम कर चुके हैं। तो पॉजिटिव ऑपरेटर होने के लिए सबसे पहले हमें होना पड़ेगा कि हम सेल्फ एडजॉइंट हैं, जो पी है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हो। देन सेकेंड क्या हो कि ए जो भी हम यहाँ पे जिसकी भी बात कर रहे हैं, जैसे ए की बात कर रहे हैं, तो ए जैसे ए मेरे पास कोई भी पॉजिटिव ऑपरेटर है तो वो ए क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट होना चाहिए और वो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एंड ए हिल्बर्ट स्पेस से जितने वेक्टर सभी के लिए एप्लीकेबल है, ए एक्स और एक्स की इनर प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये चीज होनी चाहिए। तो पॉजिटिव ऑपरेटर बनने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए, पहले वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होना चाहिए, फिर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होने के साथ या तो ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन कब आएगा, जब हम ये चीज लिख सकते हैं कि ए एक्स और एक्स की इनर प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वो जीरो से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। क्लियर समझ आ गया बेटा? अब देखो, P मेरे पास पॉजिटिव ऑपरेटर बनाना है तो सबसे पहले P को सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर बनाना पड़ेगा, बट P तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ऑलरेडी गिवन है हमें, तो ये चीज तो हमें प्रूफ करने की नीड नहीं है। तो अब सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। ओके, तो सेकंड कंडीशन हमें क्या दिखाना है कि P X और X का जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ आई बात? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से देखो, पॉजिटिव ऑपरेटर के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी जरूरी है। सबसे पहले सेल्फ एडजॉइंट, ठीक है, सेकंड जो होना चाहिए हमारे पास, जिसको भी, जैसे हम यहां पे ए को कर रहे हैं, जो ए होगा, यहाँ पे मैंने ए ले लिया है पॉजिटिव, तो वो क्या होना चाहिए, ए एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बात चल रही है पी की, तो पी तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है सेल्फ एडजॉइंट, तो ये सेल्फ एडजॉइंट वाला जो मेरे पास पोर्शन था यहाँ पे, ये तो है मेरे पास, तो मुझे अब क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पॉजिटिव ऑपरेटर प्रूफ करने के लिए कि पी एक्स और एक्स दोनों का इनर प्रोडक्ट जो है, पी एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीरो से, और दिस, ये मुझे प्रूफ करना, क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट तो ये मेरे ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, मुझे ये वाली चीज प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्स भी यानी वेक्टर इन एच, मतलब कोई आर्बिट्ररी आप लेके चल रहे हो, फिर सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया, तो मुझे क्या दिखाना, पी एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको मैं लेके आऊंगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर बेटा, समझ आ गया? अब देखो, जब मैं ये लेके चली, ये क्यों लिया, समझ आ गया? अब देखो, इस पी को मैं लिख सकती हूँ पी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मुझे पता है,
प्रोजेक्शन है तो एडिपोटेंट होगी, तो पी की जगह पी स्केयर लिख दिया। अब इसको ये लिख सकती हूँ। अब ये वाला पी जब सेकंड प्लेस पे जाएगा तो स्टार लग जाएगा, यही तो करते आए। ये पी एक्स एजिटिस जब ये सेकंड पे गया तो स्टार लग गया। अब ये पी स्टार इसकी क्या लिख सकते हैं, पी, तो पी लिख दिया। अब इसकी जगह मैंने लिखा ये क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जब हमारे पास इनर प्रोडक्ट में, जब इनर प्रोडक्ट हम करते हैं और जो सेम सेम की इनर प्रोडक्ट होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, तो यहाँ पे सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास है पी एक्स पी एक्स, तो ये भी तो सेम है, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसकी जगह ही रख दिया। तो यहां से मेरे पास आ गया दिस, तो जो P है मेरे पास, जो मैं P ऑपरेटर यहाँ पे, ये P जो है ये मेरे पास क्या बन गया, पॉजिटिव ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि P मेरे पास सेल्फ एडजॉइंट भी हो गया और P ने ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, तो इसका मतलब P क्या बन गया, पॉजिटिव ऑपरेटर। यही हमें पार्ट फर्स्ट में, जो इसका पार्ट फर्स्ट है इसमें प्रूफ करना था। अब मेरे को प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट की, जो P है वो जीरो से तो बड़ी है पर जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है उसे इस तरीके से छोटी है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है दिस। तो फर्स्टली हम क्या प्रूफ करेंगे कि आई माइनस पी जो है वो प्रोजेक्शन है ऑन एच पर। इसके लिए जो है, इसको प्रूफ करने के लिए मैं ये प्रूफ करूंगी कि ये मेरे पास क्या बने, प्रोजेक्शन बनेगी। अब ये क्यों मैंने लिया वो भी चीज आपको पता चल जाएगा, मैं हिंट देना चाहूंगी, मुझे प्रूफ करना है दिस। ठीक है, और इसको प्रूफ करने के लिए मैं बोल रही हूं कि मैं प्रूफ करूं कि I माइनस पी जो है वो प्रोजेक्शन बन जाए मेरे पास ऑन H पर। ठीक है, क्यों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी मैंने प्रूफ किया है कि अगर हिल्बर्ट स्पेस पे कोई भी प्रोजेक्शन होती है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव ऑपरेटर होता है। पॉजिटिव ऑपरेटर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे P लिया था, ये प्रूफ किया, या हम लिख सकते हैं इसको दिस, अभी किया है ना। ठीक है, तो अगर मैं दिखा दूं कि I माइनस P प्रोजेक्शन हो जाएगी हिल्बर्ट स्पेस पर तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ऑपरेटर। जब ये पॉजिटिव ऑपरेटर बन जाएगा तो इसको मैं ये चीज लिख सकती हूँ। ठीक है, और जब ये चीज लिख सकती हूँ तो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ, तो इसको मैं अगर पलट के लिखूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए ही हमने यहां पर लिया है कि हमें लेना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि I माइनस पी क्या है, प्रोजेक्शन हो हिल्बर्ट स्पेस पर, क्योंकि बाय फर्स्ट हम यहाँ पे जो पार्ट फर्स्ट है उसका यूज करेंगे कि अगर हिल्बर्ट स्पेस पे कोई भी प्रोजेक्शन होती है तो वो पॉजिटिव ऑपरेटर बनता है। तो ये चीज पार्ट प्रूफ करने के लिए ही हमने इसको माना है। क्लियर बेटा, अब देखो यहाँ पे मेरे को इसको प्रूफ करना है कि प्रोजेक्शन है, तो इसको प्रोजेक्शन प्रूफ करने के लिए मेरे पास दो चीज जरूरी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या कि आइडम्पोटेंट बने, आइडम्पोटेंट का मतलब क्या होता है, इसका स्केयर करो और ये एज इट इज आ जाए। दूसरा सेल्फ एडजॉइंट होगी, सेल्फ एडजॉइंट में क्या कि इसका एडजॉइंट लो और ये खुद ही आ जाए। ये दो चीज प्रूफ करनी पड़ेगी, है ना बेटा, तो वही चीज हम करेंगे, फर्स्ट ये करेंगे देन सेकेंड ये करेंगे। तो फर्स्ट में हमने ये वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है, टू टाइम्स लिख लिया, फिर इसके इनसे मल्टीप्लाई की, इसकी इससे करी। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर, वही चीज मैं बोल रही हूँ, आइडेंटिटी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है उसके साथ जो भी आता है वो एज इट इज आ जाता है, तो ये एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया। अब इसे पी स्केयर को क्या लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि पी मेरे पास प्रोजेक्शन है तो पी स्केयर को पी लिख सकती हूँ, वो आ गया। और आइडेंटिटी ऑपरेटर भी मेरे पास क्या होता है, एडिपोटेंट होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर भी एडिपोटेंट होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर को अगर टू टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, तो ये आ गया। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आई माइनस पी, तो ये स्केयर लेके चली तो ये एज इट इज आ गया। तो यहाँ से मेरे को यही तो प्रूफ करना था कि इसका स्केयर लेके चलो ये एज इट इज आ जाए, तो एडिपोटेंट तो हो गया। अब मैं करूंगी सेल्फ एडजॉइंट चेक, सेल्फ एडजॉइंट में ये वाला पोर्शन लेके चली। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी पता है
जब ऑपरेटर्स की बात होती कि t1 प्लस के t2 अगर इनका मैं एडजॉइंट लेती हूँ तो ये अलग अलग के एडजॉइंट के इक्वल आ जाते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे करना है, क्लियर? ओके। और ये चीज भी मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि जब इस तरीके से होता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस के केस में भी सेम आएगा। कैसे आएगा एक बार और बताना चाहूंगी बेटा। मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस, ठीक है। अब मैं ये मेरे प्लस में मैंने प्रूफ किया हुआ ये रिजल्ट है, माइनस में भी सेम आएगा। कैसे आएगा वो बताते हैं। अब देखो यहाँ पे t1 है, इसको मैं प्लस माइनस के t2 ये लिख सकती हूँ, प्लस माइनस माइनस। अब ये प्लस वाला केस बन गया ना, प्लस वाला, तो प्लस के केस में क्या होता है अलग अलग का आ जाता है, जो अलग अलग है ये अलग अलग आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास तो एज इट इज। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि अल्फा स्केलर जो होता है, अगर स्केलर और ऑपरेटर का एडजॉइंट लेते हैं तो जब ये बाहर आता है तो ये अपने कॉन्जुगेट के साथ आता है और इस पे एज इट इज आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है माइनस वन, माइनस वन का अगर मैं कॉन्जुगेट लू, यहाँ पे देखो माइनस वन है, माइनस वन का कॉन्जुगेट लूंगी तो माइनस वन ही आएगा, तो माइनस वन और इसका क्या हो जाएगा एज इट इज। तो यहां पे क्या हो जाएगा t1 एडजॉइंट प्लस माइनस माइनस दिस। तो जब मैं माइनस के केस में चली तो माइनस के केस में भी सेम आ गया, ये चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहां पे ये है तो अलग अलग का हो जाएगा, ठीक है, बाय दिस रिजल्ट। ओके। अब मेरे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का एडजॉइंट भी उसी के इक्वल, और पी मेरे पास प्रोजेक्शन है तो वो भी सेल्फ एडजॉइंट है, तो आ गया। तो यहां से आई माइनस पी क्या बन गया मेरे पास, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो यहां से हमें प्रूफ करना था कि आई माइनस पी क्या है, प्रोजेक्शन हो ऑन एच पे, तो उसके लिए दो चीज प्रूफ करनी थी, क्लियर बेटा। तो उसने ये भी कर दी, ये भी कर दी, एडम्पोटेंट भी बन गया, सेल्फ एडजॉइंट भी बन गया। तो यहां से क्या हो गया आई माइनस पी प्रोजेक्शन होगी ऑन एच पे। अगर आई माइनस पी प्रोजेक्शन होगी ऑन एच पे तो बाय द फर्स्ट पार्ट अगर हिल्बर्ट स्पेस पे कोई भी प्रोजेक्शन है तो वो क्या होती है पॉजिटिव ऑपरेटर। तो यहां से अगर हिल्बर्ट स्पेस पे कोई भी प्रोजेक्शन है तो वो क्या बन जाएगी पॉजिटिव ऑपरेटर। पॉजिटिव ऑपरेटर का मतलब है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, क्लियर बेटा। ये चीज आ गई। अब पी मेरे पास क्या है बेटा, पी प्रोजेक्शन है ऑन एच पर, पी प्रोजेक्शन है तो पी भी तो क्या होगी पॉजिटिव ऑपरेटर होगी, तो पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बाय द फर्स्ट पार्ट। यही तो है, पी भी तो प्रोजेक्शन है हिल्बर्ट स्पेस पर, ठीक है, तो पी भी पॉजिटिव ऑपरेटर होगी, तो पी भी क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो By this and this हम ये चीज लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर सेकंड प्रूफ, क्लियर बेटा। नाउ अब हम इसका करने वाले हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करने के लिए मिनट बेटा, हमें यूज करना होगा पाइथागोरन थ्योरम का। अब पाइथागोरन थ्योरम करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरन थ्योरम हमारे पास क्या होती है, पाइथागोरन थ्योरम होती है कि कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस की हम बात कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस में बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, हमारे पास दो वेक्टर होने चाहिए इनर प्रोडक्ट स्पेस में, और वो किस तरीके से होने चाहिए ऑर्थोगोनल, तभी हम पाइथागोरन थ्योरम लगा सकते हैं इन दोनों का जो ये सम होगा दिस या अलग अलग, ये होते हैं हमारे पास पाइथागोरन थ्योरम, क्लियर, इतना समझ आ गया। तो हम यहाँ पे पाइथागोरन थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरन थ्योरम करने के लिए हमें ये चीज चाहिए, तो यहाँ पे हमने जैसे कि इससे पहले भी एक हमने थ्योरम की थी, तो यहाँ पे x की जगह हम मानेंगे पी एक्स, जो वेक्टर हम लेंगे ना वो पी एक्स, और आई माइनस के पी एक्स वाई की जगह लेंगे ये, क्योंकि हमने वहां पे भी दिखाया था कि px और ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास वेक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है कि p जो होते हैं वो होती है प्रोजेक्शन होती है
ऑन एम पर, और आई माइनस पी जो होती है वो प्रोजेक्शन होती है ऑन एम ऑर्थोगोनल, मतलब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम पर। ठीक है, तो जब मैं इस पे प्रोजेक्शन हिल्बर्ट स्पेस का करूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, पी एक्स आता है और यहाँ से क्या आता है आई माइनस के पी एक्स, इस तरीके से। तो उसमें वहां पे कुछ अलग डिफरेंट तरीके से था, तो मैंने वहां पे उसी सिचुएशन के बेस पे इसको बताया था। यहाँ पे हमें ये पोर्शन प्रूफ करना है बेटा, ये वाला पार्ट प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पी एक्स यहाँ पे पाइथागोरन थ्योरम लगाए तो x की जगह मैं यहाँ पे पी एक्स ले रही हूँ और y की जगह i माइनस के पी एक्स। अब इन दोनों को क्या दिखाना है, मुझे ऑर्थोगोनल दिखाना है। ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी ऑर्थोगोनल दिखाते हैं इन दोनों की इनर प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो इससे सिमिलर हम भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे कि अगर हम ऑर्थोगोनल दिखा रहे हैं तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, वो क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। क्लियर, तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है पी एक्स आई माइनस के पी एक्स। ठीक है, अब मैं देखूंगी क्या इन दोनों की इनर प्रोडक्ट जीरो आती है कि नहीं आती है। क्लियर बेटा, देखो ये ले लिया मैंने, क्यों लिया आपको अच्छे से समझ आ गया। फिर पी एक्स ऐसे और एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मैंने ऐसे। अब जब भी मैं इनको ओपन करती हूँ कैसे, पी एक्स का एक्स के साथ साइन जो है वो, फिर पी एक्स का पी एक्स के साथ। क्लियर, ये एज इट इज दिस। अब इस पी की जगह मैं लिख सकती हूँ पी स्टार, क्यों, क्योंकि पी मेरे पास क्या है, प्रोजेक्शन है, पी प्रोजेक्शन है तो पी की जगह मैं पी स्टार भी लिख सकती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब ये पी हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो क्या होता है, स्टार हट जाता है। जैसे कि हम कहते हैं फर्स्ट प्लेस पे होगा सेकंड पे जाएगा स्टार लग जाता है, और फर्स्ट पे सेकंड से फर्स्ट पे जाएगा तो स्टार हट जाएगा। तो यहाँ पे जब ये फर्स्ट पे आया तो स्टार हट गया, ये एज इट इज है, ये पी स्केयर हो गया। पर पी हमारे पास क्या प्रोजेक्शन है, पी प्रोजेक्शन है तो वो आइडेंपोटेंट भी है, तो दिस, तो ये पी स्केयर की जगह पी लिख सकती हूँ, ये आ गया। ये सेम इसमें से माइनस हुआ जीरो, तो यहाँ पे क्या हुआ पी एक्स और आई माइनस पी एक्स की जो इनर प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या आ गई, जीरो। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हो गए मेरे पास, ऑर्थोगोनल, ये दोनों है इनर प्रोडक्ट में और ऑर्थोगोनल। तो हम यहाँ पे पाइथागोरन थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरन थ्योरम होती है ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है, ये भी सेम ऐसे ही है। इसको मैं बता देती हूँ किस तरीके से लिखा, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, ये पूरा लिख के यहाँ पे इक्वल में लिखा हुआ है, ये कि इक्वल होता है कैसे, वो चीज देखो बेटा, यहाँ पे ये चीज है ना। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स माइनस के वाई और एक्स माइनस के वाई, क्यों, क्योंकि जो मेरे पास होता है क्या होता है, एक्स नॉर्म ऑफ, नॉर्म का दिखा देते हैं, नॉर्म ऑफ इसका क्या होता है, मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ ना, नॉर्म के अंदर जो होता है नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसके अंदर जो होता है इसको टू टाइम्स लिख देते हैं। ये होता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन इनर प्रोडक्ट और नॉर्म के बीच में। क्लियर, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई टू टाइम्स लिख दिया। अब जब मैं इसको ओपन करूंगी यहाँ पे देखो, एक्स एक्स के साथ, ये पहले इसको इसके साथ ले लेते हैं पूरा, ठीक है, माइनस साइन, फिर वाई को इसके पूरे के साथ, अब देखो फिर एक्स को एक्स के साथ माइनस साइन, एक्स को वाई के साथ, फिर माइनस साइन, वाई को एक्स के साथ। अब यहाँ पे माइनस साइन आएगा और एक बाहर है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस वाई को वाई के साथ। अब एक चीज है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं पाइथागोरन थ्योरम में तो एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल हैं तो एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, जीरो। तो यहाँ से ये वैल्यू जीरो, और इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगी, सॉरी हाँ कॉन्जुगेट लूंगी तो मेरे पास वाई एक्स आ जाएगा, इसका भी जीरो तो ये भी जीरो, प्लस दिस। तो मेरे पास यहाँ से क्या गया, इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस को इसको ये लिख सकती हूँ नॉर्म ऑफ दिस, और यहाँ पे अगर मैं y y कर दूँ तो यहाँ पे y आ जाएगा,
तो इस तरीके से ये इसके इक्वल ले लो, या इसको इसको, इसको जैसे भी सिचुएशन हो उसके बेस पर आपने लेना है, ठीक है बेटा, किसी भी तरीके से। तो मैंने ये भी दिखा दिया कि पाइथागोरस थ्योरम में दिस ये भी होता है और यहां से दिस। ओके, अब देखो ये चीज आ गया। अब जो पाइथागोरस थ्योरम, मैंने एक्स की जगह क्या लिया था, पी एक्स, वाई की जगह क्या लिया था, आई माइनस के पी एक्स। तो एक्स की जगह यहाँ पे पी एक्स लिख दिया, वाई की जगह आई माइनस के पी एक्स लिख दिया, ठीक है। एक्स की जगह दिस, वाई की जगह दिस, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया ये एज इट इज। यहाँ पे ये क्या कैंसिल होके एक्स दिस। अब एक चीज बताना बेटा, ये जो है मेरे पास इन दोनों के सम के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले टर्म, इन अगर इंडिविजुअल हम एक एक सिंगल टर्म को देखो, इन दोनों के सम को मिला के ये बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस सिंगल टर्म से तो ये बड़ा होगा ना, समझ आ रही है चीजें बेटा। जैसे कि मेरे पास एक ये है प्लस एक ये है, इन दोनों को बना के ये बड़ा बन रहा है, इन दोनों को बना के, ठीक है, ऐसे ये बना दिया मैंने। तो अगर मैं इस सिंगल की बात करूं तो ये तो इससे बड़ा होगा ना। अगर आप इमेजिनेशन कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके मेरे पास ये चीज आई, ठीक है, फिगर में। अगर मैं बात करूं इस सिंगल को, तो ये तो मेरे पास छोटा होगा इससे ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि ये वाली टर्म जो है इन दोनों को ऐड करके बनाई गई है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म जो है इसकी सिंगल टर्म से तो बड़ी होगी, ठीक है। ये वाली टर्म इसकी जो सिंगल टर्म्स है इनसे तो बड़ी होगी ना, क्योंकि ये इन दोनों को ऐड करके बनाया गया, ये इन दोनों को ऐड करके बनाया गया, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है, कि इन दोनों को ऐड किया ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये इन अलग अलग से, सिंगल सिंगल की बात करें तो ये इनसे बड़ा होगा। ओके, तो ये चीज आ गई। तो यहाँ पे हमें इसकी नीड नहीं है, हमें नीड है इन दोनों की, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रेटर होगा इससे, क्यों होगा, क्योंकि ये इन दोनों के सम के बराबर है, और ये अगर सिंगल सिंगल की बात करें तो ये बड़ा होगा इन सिंगल टर्म से, क्योंकि ये इन दोनों के सम के बराबर है। आप इससे भी समझ सकते हो कि ये दो है मेरे पास, इन दोनों को ऐड करके ये बनाया। अगर मैं इस सिंगल की बात करूं तो ये दिखने में बड़ा है ना इससे, तो वही चीज यहाँ पर है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, ठीक है। तो यहां तक ये चीज हमारे पास फिनिश होगी। नाउ अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर फोर। यहाँ पे मेरे को प्रूफ करना है कि नॉर्म ऑफ पी लेस देन इक्वल टू 1। ओके बेटा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं किस तरीके से, जो हमने रिजल्ट थर्ड निकाला है इसी की हेल्प से हम ये प्रूफ करेंगे। अब कैसे करते हैं वो चीज देखो। टू शो डेट दिस, हमें ये शो करना है, और मैंने अभी ये निकाला है, अभी निकाला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे को नॉर्म ऑफ पी दिखाई दिया, तो मुझे जो नॉर्म की डेफिनेशन होती है ऑपरेटर में वो थोड़ा सा याद आई। वो किस तरीके से होती है, अगर मैं देखू नॉर्म ऑफ टी क्या होता है, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स सच डेट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे टी की जगह पी लाना था, तो अगर मैं इसमें देखू नॉर्म ऑफ पी, टी की जगह पी कर देते हैं, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ पी एक्स सच डेट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो मेरे पास यहाँ पे पी एक्स और ये वाला पोर्शन पी एक्स तो है। अगर मैं यहाँ पे टेकिंग सुप्रीमम ओवरऑल एक्स की बात कर रहे हैं, ओवरऑल एक्स ले लू विद दिस, तो मैं यहां से ये चीज फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही लाना है, समझो बेटा, ये चीज लानी है मुझे यहाँ पे। मुझे ये गिवन है पर मुझे ये लानी है, इसको ध्यान में रखते हुए मुझे याद आई नॉर्म की, जो हम ऑपरेटर के लिए डिफाइन करते हैं तो उसकी डेफिनेशन होती है ये। तो यहाँ पर टी की जगह मैंने कर दिया पी, तो मेरे पास ये चीज तो मुझे दिख गई। पर इस पूरी टर्म को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सुप्रीमम लेना पड़ेगा ओवरऑल एक्स, ठीक है, विद किसके साथ, दिस।
और जब मैंने ये लिया तो मेरे पास इधर की साइड ये पूरा का पूरा पोर्शन बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, ये चीज मेरे पास बन जाएगी यहाँ पे, टेकिंग सुप्रीमम ऑन बॉस, ये टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल दिस, तो मेरे पास ये टर्म बन गया। और यहाँ पे एक लेस देन, जब सुप्रीमम वैल्यू लेंगे हम इसकी नॉर्म ऑफ लेस देन वन, तो इसकी सुप्रीमम ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा इधर की साइड। और ये चीज मेरे पास किसके इक्वल है, दिस, तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा नॉर्म ऑफ पी लेस देन इक्वल टू वन, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। समझ आई बेटा, करना क्या है, हमें यहाँ पे नॉर्म ऑफ पी दिखाई दिया, मुझे पता है नॉर्म ऑफ में जब ऑपरेटर वाली चीज देखते हैं तो हमारे पास ये डेफिनेशन होती है, तो मैंने इसकी जगह पी रखा, पी रखते ही मुझे नॉर्म ऑफ पी एक्स मिल गया, जो कि मुझे इसकी थर्ड कंडीशन में मुझे दिखाई दे रहा था, जो मैंने प्रूफ किया है अभी, ठीक है। अब मुझे तो पी नॉर्म ऑफ पी बनाना है, तो नॉर्म ऑफ पी इसके इक्वल है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये है, तो इसको पूरे को बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, सुप्रीमम ले लेती हूँ ओवरऑल एक्स विद ये, तो ये पूरा बन गया। अब जैसे इधर की साइड ये पूरा का पूरा बना लेस देन इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या मेरे पास वन, वन आ गई, तो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या है नॉर्म ऑफ पी, तो यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास इक्वल टू में नॉर्म ऑफ पी, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। आई होप ये वाली थ्योरम आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू सो मच।